चाइना एक ऐसा देश जो कि सच में बहुत अजीब है। चाइना जितना हो सके चीजों को रिसाइकल करता है और इन्हीं रिसाइकल हुई चीजों को ये सस्ते दाम पर बेच देता है, जो कि बहुत बड़ा रीजन है कि इस देश की इकोनॉमी अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए जानते हैं चाइना के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। हर वो चीज जिसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है चाइना में उसे खा लिया जाता है। जैसे कि चाइना में चिकन, मटन, पोर्क और बीफ तो बहुत आम बात है। यहाँ मछली तो खाई ही जाती है और उसे खाने वाले मगरमच्छ को भी खा लिया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में कुत्तों को भी खा लिया जाता है। इवन चाइना में एक यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल होता है जिसमें हर साल ढेर सारे कुत्तों को मीट के लिए मारकर खा लिया जाता है। केवल इस फेस्टिवल में तकरीबन 20,000 कुत्तों को मार दिया जाता है। वियर्ड खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि चाइना में हर साल तकरीबन 4 मिलियन बिल्लियों को खा लिया जाता है। इवन चाइना में घर में कुत्ता पालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो उनके कुत्ते को चुरा लिया जाता है और फिर या तो उसे पेट शॉप में बेच दिया जाता है और या फिर उसे मीट शॉप में बेच दिया जाता है। अभी ये कम था कि चाइना में एक रिवाज है जिसके तहत स्कूल के बच्चों के पेशाब में अंडे उबालकर खाए जाते हैं और ये भी माना जाता है कि ये अंडे खाने से ज्वाइंट्स में पेन नहीं होता, क्योंकि अंडों को तकरीबन 24 घंटे तक पेशाब में उबाला जाता है और ये भी माना जाता है कि पेशाब के मिनरल्स ऐसा करने से अंडे में पहुंच जाते हैं और ये परंपरा कई हजारों साल से चली आ रही है। जो भी हो, इट इज डिस्गस्टिंग। चाइना में ज्यादातर चिकन के नाम पर चूहों के मांस को चिकन के साथ मिक्स करके बेच दिया जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों में जानवरों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। इसीलिए चीन में कॉकरोच, बिच्छू, टिड्डे, कीट पतंगे ऑलमोस्ट सभी खा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग सांप और बैट्स को भी नहीं छोड़ते और शायद कोरोना वायरस भी चमगादड़ से ही आया था और इसकी वजह भी चीन था। आपको ये बात शायद ही पता होगी कि चीन में नकली मांस तक बनाकर बेचा जाता है। यही नहीं, चाइना में जब इस पर एक्शन लिया गया तो उन्होंने एक दूसरी स्कीम निकाल ली। अब वो मांस में गंदे पानी के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि मीट का वेट बढ़ जाए और कम मांस को ज्यादा वजनदार बनाकर बेच दिया जाता है। यही नहीं, चाइना में नकली चावल तक बनाए जाते हैं और इन चावल को प्लास्टिक राइस कहा जाता है और ये चावल उसी मटेरियल से बनाए जाते हैं जिससे कि प्लास्टिक बनता है और ये चावल पकने के बाद भी नरम नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक राइस एक्चुअल में ही प्लास्टिक होता है और ये चावल सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पर फिर भी नकली चावल बनाने का काम आज भी यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है। अभी तक ये कम था कि चाइना में नकली शहद भी बनाया जाने लगा, जिसमें 100 रुपए की चीज को 600 रुपए का बनाकर बेच दिया जाता है और ये शहद चाशनी, फिटकरी और न जाने क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है। अगर सी फूड की बात करें तो श्रिम्प और प्राउन्स में ये लोग जिलेटिन इंजेक्ट करके बेच देते हैं, जिससे कि झींगे फ्रेश और देखने में स्वादिष्ट लगते हैं। कभी कभी तो जो झींगे डीकम्पोज होना भी शुरू हो जाते हैं उनके अंदर का भी हिस्सा निकालकर उनमें जिलेटिन भर के बेच दिया जाता है। इवन बीफ जैसा मांस बनाने के लिए रबड़ के मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, जिसे कि ये लोग दिखने में हूबहू मांस जैसा बना देते हैं। चाइना में ज्यादातर फास्ट फूड स्टोर्स में यूज होने वाला तेल गटर से निकलने वाले पानी को प्रोसेस्ड करके जो तेल बनता है उसी तेल में खाना बना दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग विकलांग हो सकते हैं और कैंसर होना तो आम बात है। चीन में नकली अखरोट भी बनाए जाते हैं, जिनमें पहले अखरोट की गिरी को निकालकर पहले महंगे दामों पर बेच दिया जाता है और इसके खोखले में सीमेंट भरकर दोबारा से चिपका दिया जाता है और इन अखरोटों को भी असली अखरोटों के साथ मिक्स करके बेच दिया जाता है। चाइना में नकली अंडे और यहाँ तक के नकली पत्ता गोभी भी बनाई जाती है। और यही नहीं, चाइना में नकली दूध भी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है, जो कि मेलानिन को पानी में मिक्स करके बनाया जाता है और ये दूध पीने से आपको किडनी फेलियर तक हो सकती है। चाइना यही नहीं रुका, उसने नकली शराब बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी तो गंदे पानी में सोडा और रंग मिलाकर इसे बेच दिया जाता है, क्योंकि चाइना में हर ब्रांड की बोतल और कवरिंग बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है, जिसके बाद इनके ढक्कन को ऊपर से ठोक कर इन शराब की बोतलों को बंद कर दिया जाता है और गंदे पानी को शराब बनाकर बेच दिया जाता है।
चाइना में नकली सिगरेट भी बनाई जाती है जो कि घास फूस, कीड़े के अंडों और यहाँ तक के इंसानों के मल से बनाई जाती है। चाइना में हर प्रोडक्ट का नकली सामान मिल जाता है। चाइना में हर एक प्रोडक्ट रिसाइकल्ड प्लास्टिक और मटेरियल से बना दिया जाता है। चाइना में बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज किए गए कॉन्डम से बनाए जाते हैं जिसमें बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं। चाइना में क्रिसमस और दिवाली नहीं मनाई जाती, पर वर्ल्ड के 85% क्रिसमस ट्री और 70% तक दिवाली में जगमगाने वाली लड़ियां चाइना में ही बनाई जाती हैं। पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चाइना का मेड इन चाइना का स्टिकर एक्चुअली चाइना में नहीं बनता। ये स्टिकर साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और यूएसए के द्वारा बनाए जाते हैं। चाइना के रूल्स बहुत सख्त हैं और यहाँ के लाइफस्टाइल से बहुत लोग दुखी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यही नहीं, चाइना में इतनी सुसाइड्स होती हैं कि इसकी वजह से चाइना में आपको सिर्फ नदी में से डेड बॉडी निकालने और रेस्क्यूअर की नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। 2010 में चाइना के शंघाई में 100 किलोमीटर जितनी दूरी तक जाम लग गया था और ये जाम तकरीबन 12 दिनों तक नहीं हटा था। जाम से याद आया पॉल्यूशन। चाइना में इतना पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एबनॉर्मल पैदा होते हैं। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना का पॉल्यूशन सैन फ्रांसिस्को तक हवाओं के साथ पहुंच जाता है और इसके पॉल्यूशन का 29% जिम्मेदार चाइना है। चाइना के बड़े शहरों में एक दिन सांस लेने से आपकी सेहत पर सेम असर होगा जितना के एक दिन में 21 सिगरेट्स पीने पर होता है। इवन कभी कभी एटमॉस्फेयर क्लियर होने पर चाइना के पॉल्यूशन को भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। चाइना की नदियों में बहुत सारी गंदगी और केमिकल्स को छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से एक अनुमान के तहत इनकी नदियां तकरीबन 90% तक प्रदूषित हैं। चाइना में हर साल कागज, सिगरेट्स और बिल्डिंग्स के चक्कर में तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है, जिससे कि चाइना का एक बहुत बड़ा एरिया तेजी से रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। पर हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि अब 40 बिलियन पेड़ों को उगाया जाएगा। एटलीस्ट चाइना ने एक कदम तो अच्छा उठाया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 तक चाइना में 10 ऐसे शहर डेवलप हो जाएंगे जो कि न्यूयॉर्क जैसी फैसिलिटी से लबालब होंगे और हर 19 दिनों में चाइना में एक स्काई स्कैपर बिल्डिंग बना दी जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल चाइना में हैं। इंडिया के बाद चाइना में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और चाइनीज लैंग्वेज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। चाइना सेक्स टॉयज बनाने में भी पहले स्थान पर है। जहां हमारे देश में ज्यादातर 5-6 सब्जेक्ट्स में ही डिग्री मिलती है, वहीं हांगकांग की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में ब्रा पर भी स्टडी करवाई जाती है। टॉप फॉर्म चाइना की सबसे बड़ी लिंगरी बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री में ब्रा की एक लैब भी है जहां आपको इंटीमेट टेक्सटाइल्स और एक्सेसरी में डिग्री मिलती है। इवन ये कंपनी हर साल 6 करोड़ से भी ज्यादा लेडीज अंडरगारमेंट बना लेती है। चाइना में आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। यही रीजंस है कि चाइना में बहुत सारी एप्स को बैन कर दिया गया। फेसबुक को जुलाई 2009 में चाइना में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक अभी भी बैन है। पर चाइना के हांगकांग और मकाओ में फेसबुक के बैन को हटा दिया गया है। इस देश में ट्विटर को भी बैन कर दिया गया था और केवल बड़ी बड़ी कंपनीज ही ट्विटर को यूज कर सकती हैं, वो भी वीपीएन थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन के चलते। यहाँ तक के चाइना में गूगल और यूट्यूब भी बैन है। इवन पबजी को भी चाइना में बैन कर दिया गया था और न्यूज चैनल पर हर रोज सरकार के रूल्स और भाषणों को सुनना कंपलसरी है। ये माना जाता है कि चाइना के शंघाई शहर में लाल कार पूरी तरह से बैन है, पर यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको रेड कार्स चाइना के शंघाई में देखने को मिल जाएंगी। क्यूट पांडाज ऑफिशियली चाइना के हैं, क्योंकि पांडा सिर्फ चाइना में मिलता है, इसीलिए चाइना ने देश के बाहर के सभी पांडाज को लीज पर दे रखा है और उन पांडा के पैदा होने वाले बच्चों पर भी चाइना का ही हक है। चाइना में पेट्स को पेंट करके दूसरे जानवरों जैसा बनाने का एक अजीब ट्रेंड है जिसमें डॉग्स या कैट्स को पांडा, टाइगर, लॉयन और जेब्रा जैसा बना दिया जाता है। इवन 2013 में ऐसे ही एक डॉग चिड़ियाघर में चला गया था जिसे लोग सच में शेर समझने लगे थे। चलिए लगे हाथ चाइना के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। आइसक्रीम का इन्वेंशन
चाइना में ही हुआ था। फुटबॉल जो कि यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा फेमस है, एक्चुअली ये चाइनीज गेम है और ये भी चाइना में डेवलप हुई थी। बात करें गन और गन पाउडर की, तो इनका आविष्कार भी चाइना में हुआ था। चाइना में ही काइट्स का आविष्कार हुआ था, जिन्हें तकरीबन 3000 साल पहले युद्ध भूमि में दुश्मन को चेतावनी देने के लिए बनाया गया था। इवन कागज का इन्वेंशन भी चाइना में ही हुआ था। चाइना ने ही प्रिंटिंग और कंपास का भी आविष्कार किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर ज्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप एकांश फैक्ट्स को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर।